आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में, जिनसे जुड़ी सूत्रों से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि एनडीए में अनदेखी होने की वजह से चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव से महागठबंधन में आने के लिए संपर्क साधा है, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को कुछ शर्त बता दिया है, जिस पर चिराग पासवान सहमति रखते हो तो महागठबंधन में आए, नहीं तो जहां है वहीं रहें। उन शर्तों को एक एक करके बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पुनः एनडीए में जाने से एनडीए में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से सीट शेयरिंग पेचीदा हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इसी करार पर पुनः एनडीए में गए हैं कि उनको आगामी लोकसभा चुनाव में 17 सीटें लड़ने को मिले। इस तरह जेडीयू अगर 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो भाजपा भी 17 सीटों से कम पर मानने वाली नहीं है, जिससे मात्र 6 सीटें ही शेष बच जाती हैं, जिसमें से ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और पशुपति कुमार पारस में बांटना है। यही कारण है कि एनडीए में असमंजस्य की स्थिति बन गई है और चिराग पासवान महागठबंधन में जाने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। बात करें उन शर्तों की जो लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान के सामने महागठबंधन में आने के लिए रखा है, उसमें सबसे पहला शर्त यह है कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार पे आक्रामक और नरेंद्र मोदी पर हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, उन्हें यह रणनीति छोड़ना होगा। मतलब कि चिराग पासवान को मोदी सरकार पर भी हमलावर होना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि केवल चिराग पासवान नीतीश कुमार को ही टारगेट करें और मोदी जी को दिल में बसाए रखें। दूसरा शर्त यह है कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकारना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले हैं। वैसे यही है वे शर्त जो लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान के सामने महागठबंधन में एंट्री को लेकर रखा है। अगर चिराग पासवान सहमत है तो महागठबंधन में आए, वरना जहां है वहीं रहें। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।